कि औरत मर्द से कम होती है तो शायद उसने भारत की प्रतिभा देवी पाटिल को नहीं देखा, द्रौपदी मुर्मू को नहीं देखा या फिर निर्मला सीतारमन को नहीं देखा, कल्पना चावला को नहीं देखा और अवनी चतुर्वेदी को नहीं देखा, इंदिरा गांधी को नहीं देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि आज के युग में बेटियां बेटों से कम नहीं होती। तो बता दूं कि मौलाना जी ये सब नहीं जानते हैं, मौलाना साहब है पाकिस्तान के। वैसे उनकी बात भी जायज है क्योंकि पाकिस्तान में जाहिलियत इतनी ज्यादा है कि महिलाओं को खुली हवा में उड़ने के लिए पंख नहीं दिया जाता। दरअसल पाकिस्तान के बन्नू शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के बायोलॉजी के एक सहायक प्रोफेसर को स्टाम्प पेपर पर माफीनामा देने के लिए मजबूर किया गया। सहायक प्रोफेसर शेर अली को ये माफीनामा बायोलॉजी की एक बुनियादी अवधारणा चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को पढ़ाने की वजह से देना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें मिश्रित लिंग वाली यानी मर्द और औरतों के साथ होने वाली मीटिंग की निंदा करने और ये ऐलान करने के लिए भी मजबूर किया गया कि महिलाएं पुरुषों से नीचे हैं। सहायक प्रोफेसर शेर अली को लेकर ये सब विवाद महज इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में डोमेल क्षेत्र में संविधान और कानून के मद्देनजर औरतों के हकों पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित किया था। सेमिनार के दौरान उनकी टिप्पणियां स्थानीय मौलवियों को अच्छी नहीं लगी। इन लोगों ने प्रोफेसर शेर अली पर अय्याशी फैलाने और इस्लाम और स्थानीय संस्कृति के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया और अधिकारियों से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। हालांकि इसके तुरंत बाद प्रोफेसर अली ने पाठ्यक्रम के हिस्से के तौर पर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को पढ़ाने के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ की। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने उनके हवाले से कहा, जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 24 डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करता है और अगर किसी को इस विषय से परेशानी है तो उन्हें पाठ्यक्रम से इस अध्याय को हटाने के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए। प्रोफेसर ने यह भी कहा कि अगर वो इस विषय को नहीं पढ़ाएंगे तो उनके छात्र उनकी पढ़ाने की काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हमेशा अपने छात्रों की सहमति लेने के बाद डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत को पढ़ाया है। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डॉन को बताया कि शेर अली ने मौलवियों से कहा कि पर्दा या औरतों के हकों पर सोशल मीडिया पोस्ट उनके नहीं थे, उन्हें एडिट किया गया था। सहायक प्रोफेसर शेर अली ने बन्नू डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय को 3 पन्नों का हलफनामा दिया कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत सहित सभी वैज्ञानिक और तर्कसंगत विचार जो इस्लामी शरिया का विरोध करते हैं वो झूठ है। कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में प्रोफेसर शेर अली को ये भी ऐलान करना पड़ा कि औरतें मर्दों से कमतर हैं और ऐलान किया कि महिलाओं को पुरुषों के साथ गैर जरूरी तौर पर घुलने मिलने की मंजूरी नहीं है। ये तब है जब सहायक प्रोफेसर शेर अली के पास पेशावर विश्वविद्यालय से MSc की डिग्री है। वो इस्लामाबाद में कायद ए आजम विश्वविद्यालय से ह्यूमन जेनेटिक्स में MPhil है। द कर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम किताब के लेखक हैरिस सुल्तान ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर डाला था। इसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के साथ सुल्तान ने कैप्शन लिखा, यही वजह है कि पाकिस्तान तीसरी दुनिया का नरक कुंड बना रहेगा। अच्छी दाढ़ी रखने वाले ये कट्टरपंथी मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शेर अली को विकासवाद के सिद्धांत की निंदा करने और रिकॉर्ड पर ये कहने के लिए मजबूर करते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बौद्धिक रूप से कमतर हैं। लेखक हैरिस सुल्तान ने आगे लिखा, हालांकि मौलवी गलत नहीं है, कुरान और पैगम्बर मोहम्मद ने कहा था कि औरतें मूर्ख हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीव विज्ञान के प्रोफेसर शेर अली का डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को पढ़ाने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने का मामला पाकिस्तान में व्यक्ति की स्वतंत्रता और वैज्ञानिक विचारों में इस्लामिक कट्टरपंथियों की दखलंदाजी का उदाहरण है। तो यह है पाकिस्तान की जाहिलियत जो मौलानाओं ने उस प्रोफेसर के साथ किया। उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।